कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आफ्टरनून रूटीन। जब भी बात करते परी उठी जाती, तो पर अभी 12:10 हो गए, तो कंप्लीट मैंने 12 बजे परी को सुलाने के लिए लिया है। और परी का जब मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था ना आपके साथ कुछ दिनों पहले, उस टाइम में परी 10 बजे सोती थी, बट अभी परी का टाइम चेंज हो गया, वो 12 बजे भी सोने लगी। तो परी का हर 8 दिन में 15 दिन में रूटीन चेंज होता रहता है। तो आज जब मैं शूट करूँ तो इस टाइम पे अभी परी का रूटीन चेंज हो चुका है, अभी वो परी 12 बजे सोती है। तो परी को जस्ट मैंने अभी 12 बजे सुलाया, 10 मिनट में वो सो गए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मुझे बनाना है खाना, और जो मेरा आफ्टरनून का रूटीन रहता है वो मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग और राइस और चपाती। तो मूंग मैंने सुबह भिगोए थे, वैसे तो कल रात को भिगोनी चाहिए थे, बट फिर भी मैंने सुबह भिगोए थे, रात को भूल गई थी। तो अभी मैं एक तरफ मूंग उबालने के लिए रख देती हूँ, एक तरफ राइस बनाने के लिए लगा देती हूँ, और आटा गूंथ लेती हूँ। तो मेरे तीनों काम साथ साथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं राइस तो हो जाएगा, फिर चपाती बना के मूंग बना लूँगी। तो परी भी सोई है तो वो दोनों होने, और आटा लगा के हुआ है तो रोटी बनानी है, और किचन साफ करना है, कपड़े धोने परी के, क्योंकि अभी रात के सुबह जल्दी जाने लगी ना, तो कपड़े धोना भी रह रहे, तो कपड़े भी धोने परी के, भिगो के रखे मैंने, और परी को नहलाना है, तो ये सब करना है। तो अभी राज परी को लेकर बैठे, तब तक मैं फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, फिर खाना खा लेते हैं, फिर परी का भी खाना बनाना है, वो करती हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं काम। Thank you.
चार और परी जस्ट सोई है, 4 बजे सोई थी परी। तो परी का ये रूटीन है कि उसको नहलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद वो सो जाती है और दोपहर में मेरे काम हो जाते हैं, जैसे कपड़े धोना, जो भी सुबह के बाकी रहते हैं वो। और अभी परी जब उठेगी उसके बाद फिर परी के साथ खेलूंगी, फिर आ जाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर अभी जब परी उठेगी इसके बाद 5-5:30 बजे, तो मैं उसको थोड़ा नीचे राउंड मार के लेकर आऊँगी और फिर उसके साथ खेलने में टाइम जाता है। तो परी शाम को फिर सोती नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाने के बाद ही सोती है। तो बस ऐसा रहता है मेरा आफ्टरनून रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मुझे बस कपड़े सुखाना बाकी है, मैं सोचा कि पहले मैं बात कर लूँ उसके बाद कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि परी अभी सोई है तो बात कर लेती हूँ, अगर वो फिर जग गई तो बात नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं, वीडियो एडिट कर लूँगी या कुछ अपना काम होगा तो वो कर लूँगी। तो ऐसा रहता है मेरा डेली का आफ्टरनून रूटीन। थोड़ा बहुत कुछ अलग हो जाता है कभी, अगर परी को नहीं नहलाया तो कुछ अलग होता है। दोपहर को थोड़ा टाइम, फिर रात के साथ बातें हो जाती है, ये सब हो जाता है बस। तो चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।